हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज से अपना आरआरबी जेई का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में आपको मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे और इवनिंग में आपको जनरल साइंस के वीडियोस मिलेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का है, जनरल साइंस 30 नंबर का है, रीजनिंग 25 नंबर का और जीके 15 नंबर का। रीजनिंग वीजनिंग तो मुझे लगता है सबको ही आता है, तो अभी रीजनिंग इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा एसएससी का कोर्स सिलेबस जो भी है एसएससी का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके बाद जनरल साइंस वो आपको शाम को मिलेगा। जनरल साइंस में क्या है, जो आपका रेलवे में जो आपका एग्जाम होगा इसमें जो आपका जनरल साइंस आएगा उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो या लाइफ साइंस एक ही चीज है। और वो क्या है, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लास 10th तक की ही आपको पढ़नी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसके लेक्चर्स आपको शाम को मिलेंगे इवनिंग में 8 या 9 बजे तक, और मॉर्निंग में 12 या 1 बजे तक आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स डेली मिलेंगे और मंडे से फ्राइडे क्लास चलेगी। सैटरडे संडे मैं मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ाता हूँ, कोई अगर जॉब का कोई नोटिफिकेशन आ गया तो वीडियोस भले अपलोड कर दूं, अदरवाइज सैटरडे संडे मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो मंडे से फ्राइडे क्लास चलेगी, आज से स्टार्ट हो रहा है। कॉपी पेन ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा एसएससी का कोर्स कवर करेंगे। ये समझिए अभी हमारे पास पूरा 4 मंथ्स है, 4 महीने पूरे हैं, तो पूरा एसएससी का कोर्स कवर करेंगे, मैथमेटिक्स पूरी कवर करेंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स में है क्या, जो हमारे अलग अलग टॉपिक है, जैसे आपका फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ साथ रेशियो, प्रोपोर्शन, ये हमारे जो भी टॉपिक है ये सब अभी हम नहीं करेंगे, ये सब हम बाद में करेंगे। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो आज ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लेक्चर है ज्योमेट्री का, ये कंप्लीट होगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद उठाएंगे एलजेब्रा और एलजेब्रा के बाद स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो पढ़ा रहे हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूरा बेसिक पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 4 टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, कॉपी पेन उठा लीजिए और सीरियसली पढ़िएगा, मतलब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर करिएगा, मजा तभी आता पढ़ाने में जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज क्या है, मजा नहीं आता फिर पढ़ाने, पढ़ाने में मजा तभी आता जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। मैं कुछ पूछूं तो आप उसके आंसर जरूर करिएगा। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देने। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबसे पहले बात करेंगे हम क्या आता है ज्योमेट्री में, लाइन। अब लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन, अ लाइन व्हिच हैज 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, वही तो होता है लाइन। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, लाइंस भी अलग अलग तरह की होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो अब क्या होता है, उसमें 2 पैरेलल लाइंस अगर आपको दी जाती हैं, इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस आपको दी गई है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये क्रॉस कर रही है, तो यहां पर फिर क्या होता है, ये एंगल बनता है, एंगल बन रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एंगल को समझ लेते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं बहुत जल्दी से, सिर्फ एंगल समझ लीजिए क्या होते हैं और थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट होगा फिर आगे हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की बहुत सारी थ्योरम्स आती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपी पेन ले लीजिए और ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए सबसे पहले एंगल की बात करते हैं, सबसे पहला एंगल आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एंगल जो होता है आपका क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। अब 90 डिग्री से कम माइनस में मत कर दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री, ये होता है आपका एक्यूट एंगल। ये एंगल आप देख सकते हैं कितना है, 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अधिक कोण। अब ये क्या होता है, ये 90 से ज्यादा होता है लेकिन बोला जाए तो 90 से 120 के बीच में होता है, 90 से ज्यादा होता है, 90 से 120 के बीच में होता है, ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा है। तीसरा आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ये होता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री,
ये राइट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है और ये आपका एक्यूट एंगल है। इसके बाद बात करते हैं, एक आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब एंगल हमारा 180 से ज्यादा होता है, मतलब बोला जाए तो 180 से और 360 के बीच में होता है, 180 से 360 के बीच में होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये कुछ इस तरह का बन जाए, तो ये जो एंगल है ये आप देख रहे हैं 180 से ज्यादा है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये तो बात करके हमने जितने भी टाइप के हमारे एंगल होते हैं, अब इसमें आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, एडजेसेंट मतलब कि अगल बगल। ये हमारा मान लीजिए इस तरह का कुछ दिया गया है, ये एंगल वन और ये एंगल टू, तो ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल। एंगल वन और टू एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल वाले एंगल। एडजेसेंट एंगल वो होता है जहां पर एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, ये कॉमन आर्म है और ये वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, तो ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो भी बोला जाए तो एक तरह से एडजेसेंट एंगल ही होता है, लेकिन यहां पर एंगल वन प्लस एंगल टू ये होता है 90 डिग्री। एंगल वन और एंगल टू यानी कि एंगल एक और दो, इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल भी एक तरह का एडजेसेंट एंगल होता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है सप्लीमेंट्री एंगल की, प्रॉपर्टी ये होती है कि एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक और एंगल दो का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, किसमें, सप्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है, एंगल एक और एंगल दो का सम 90 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया, एंगल सारे समझ में आ गए। अब बात करते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस निकल रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तब एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्रॉस कर रही है। अब यहां पर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये एंगल वाली जो वन है ये टू है, इसके बाद ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, सेवन, एट और ये एंगल फाइव और ये एंगल सिक्स। अब ये एंगल दिए गए। अब यहां पर पूछा जा सकता है आपसे इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए जो लिखा रहा है आप उसको लिख लीजिए, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि जो अंदर वाले एंगल। इसके बाद एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन, एंगल एट, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से, जो बाहर वाले एंगल, एक, दो, सात और आठ। इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले, तीन, चार, पांच, छह। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है थोड़ा सा उसको भी लिख लीजिए आप। देखिए पहली प्रॉपर्टी वर्टिकल एंगल, मतलब कि आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी थे। कौन सी है, वर्टिकल एंगल, या बोल सकते हैं आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब लाइन पैरेलल हो तभी होता है, लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही हो तभी होगा ये। एंगल तीन, एंगल दो बराबर हो गए, ऐसे इधर आ जाइए, एंगल फाइव, एंगल आठ के बराबर होगा, एंगल सिक्स, एंगल सेवन के बराबर।
बात हो गई वर्टिकल ऑपोजिट। अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट मतलब कि एंगल तीन और एंगल छह बराबर होंगे, एंगल तीन और एंगल छह बराबर होंगे, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स। अल्टरनेट एंगल ये इधर है ये इधर है, ऐसे यहां पर देखिए एंगल फोर एंगल फाइव के बराबर होगा, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव। ये कौन कौन से एंगल है? ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल तीन एंगल छह के बराबर होगा, एंगल चार एंगल पांच के बराबर होगा। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखिए एंगल वन एंगल एट के बराबर होगा, एंगल टू एंगल सेवन के बराबर होगा। ये भी अल्टरनेट एंगल कौन सा? अभी तो हमने अंदर वाले देखे, बाहर वाले देखे। एंगल वन इसका अल्टरनेट इस तरफ आ गया, ये इधर है ये इधर है, एंगल वन एंगल आठ के बराबर होगा, एंगल टू एंगल सेवन के बराबर होगा। ये किसकी बात हो गई? अल्टरनेट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट समझ गए, आमने सामने वाले अल्टरनेट, एक इधर है दूसरा इधर, तीन इसके बराबर छह के चार पांच के बराबर। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल वन और एंगल फाइव, मतलब कि एंगल एक एंगल पांच के बराबर होगा। वर्टिकल अपोजिट हो गया, अल्टरनेट हो गया, आप समझिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल वन एंगल फाइव के बराबर होगा, ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन कराएंगे काम है। इसके बाद नीचे आ जाइए, तीन सात के बराबर होगा। अब इधर देख लीजिए एंगल टू एंगल सिक्स के बराबर होगा, नीचे आ जाइए एंगल फोर एंगल आठ के बराबर होगा। ये समझ में आ गया आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है? एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव, मतलब कि अगर कोई पैरेलल लाइन है एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल एंगल थ्री और एंगल फाइव इन दोनों का सम जो होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसे इधर भी देखिए एंगल फोर और एंगल सिक्स इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आया? वर्टिकल अपोजिट आमने सामने वाले बराबर होते हैं, एक चार के बराबर, दो तीन के बराबर, पांच आठ के बराबर, छह सात के बराबर। अल्टरनेट एंगल्स एक आठ के बराबर, दो सात के बराबर। अल्टरनेट मतलब कि अब ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स एक इधर एक इधर। अब एक और आठ की बात करें, जैसे यहां पर एक और आठ और दो और सात, तो ये क्या है? ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और जब इसकी बात करिए अंदर जो है तीन छह के बराबर, चार पांच के बराबर, ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एक पांच के बराबर, दो छह के बराबर, चार आठ के बराबर, तीन सात के बराबर। और जो मेजर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो भी क्वेश्चन करेंगे वहां पर काम आएगी, वहां पर ये काम आएगी। एंगल तीन और पांच का सम 180, एंगल चार और छह का सम 180। ये है पूरी इसकी प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी बहुत काम आता है। यहां तक हो गया आपका, इसको लिख लीजिए, लिखना है तो चलिए। अब बात करते हैं पॉलीगन की, पॉलीगन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पॉलीगन में सिर्फ आपका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम, बस इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लीजिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए कैसे,
पॉलीगन है मतलब कि इसकी साइड्स कुछ भी हो सकती है, तीन साइड का है तो ट्रायंगल हो जाएगा, चार का है क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पांच का है पेंटागन, छह का हेक्सागन, इस तरह से। तो पॉलीगन है, मान लीजिए ये मैंने बना लिया समझ लीजिए पेंटागन। अब ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है क्या बोला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360, मतलब कि 1, 2, 3, 4 और 5 अगर इनका सम किया जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये कितना होगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 360, पॉलीगन अब इसमें कितनी भी साइड हो सकती है, 8 साइड का होगा तो भी आपका जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल का 360, 5 का होगा तो भी 360, 4 का होगा तो भी 360, 6 साइड्स का होगा तो भी 360। ये है हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब देखिए ये तो हमारा आ गया एक्सटीरियर एंगल का सम। अब अगर हमें एक्सटीरियर एंगल बताना हो तो क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ये क्या होता है, ये जो आपके सामने ऊपर 360 लिखा है बस इसको n से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, वेयर n नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5, तो अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि ये जो बाहर के एंगल है ये सब कितने हो जाएंगे 72 डिग्री। ये फिगर अभी सही नहीं बनाया, मैंने स्ट्रेट बनाया, ऐसे नहीं बनता पेंटागन, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया सर। जब आप इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए 72 को, 360 डिग्री आ जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसा भी पॉलीगन हो 360 डिग्री होता है। और अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया जाता है तो क्या करना है, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, 360 डिवाइडेड बाय n। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की अगर बात करी जाए तो क्या होता है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ये क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n माइनस 2 इंटू 180 इंटीरियर एंगल का सम। अब 5 साइड थी पेंटागन था, साइड 5 है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180, 540। यानी कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो कितना होगा उनका सम, 540। एक्सटीरियर एंगल तो 360 होता ही है, वो तो फिक्स रहता है, सबका 360 होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल का कितना सम हो जाएगा, 540। अब वो पूछेगा भैया इंटीरियर एंगल कैसे निकाला, तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, वही चीज है इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, जो फॉर्मूला लिखा है इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, एन माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन, बस यहां से आपका इंटीरियर एंगल निकल आया। अब इंटीरियर एंगल देखिए कैसे निकालते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स 5 है, पेंटागन का एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ साइड 5 है तो यहां पर रखिए 5 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा ये, ये 3, ये काटा आपने 36, 108 डिग्री, 108। यानी कि पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है 108। जब आप उनको सम करेंगे तो कितना निकल गया आएगा, 540। यहां पर रख दीजिए वैल्यू, साइड कितनी है 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना होता है 540। चाहे यहां से कर लीजिए चाहे 108 5 बार जोड़ दीजिए 540 आएगा। और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है पेंटागन का, 360 डिवाइडेड बाई एन, 360 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ गया 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। समझ में आ गया आपको, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अब इस पर बेस्ड जो जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अगर
एक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, लिख लीजिए एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, दो मिनट भी नहीं, 15 से 20 सेकंड के लिए, और आंसर फटाफट से दीजिए। चलिए देखिए क्या है, इंटीरियर एंगल दिया है, कितना दिया है 120 डिग्री, पूछा क्या है नंबर ऑफ इट्स साइड्स। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यही तो होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड नहीं करते, इंटीरियर एंगल है इसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया। कितना दिया इंटीरियर एंगल आपको, 120 डिग्री, 120 क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ साइड्स n पूछा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या ये कितना हो जाएगा आपका 180n माइनस 360 और ये कितना हो जाएगा 120n, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 60n इज इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया 6, यानी कि ये क्या है हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजा, जो भुजाएं होती है उसकी साइड्स, वो कितनी आ गई टोटल 6। अगला क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल, ये समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला था, क्या बताया आपको एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है 360 डिवाइडेड बाई एन, और दिया कितना एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, लो भैया सीधे सीधे काट दो, कितना हो गया एन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ साइड्स पूछा था कितनी आ गई 5। अगला क्वेश्चन बोला है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 720, तो क्या बोला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 720, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला पता है आपको, n माइनस 2 इंटू 180, बस रख दीजिए, कितना दिया सम 720, 720 इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 180, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है 18 4 72 4, एन इज इक्वल टू 6, बस आ गया आंसर। 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगना, बस इतनी जल्दी फटाक से करना आपको। इसके बाद है अगला क्वेश्चन दिया है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 6 राइट एंगल्स, कुछ नहीं है सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 6 राइट एंगल, मतलब कि किसी पॉलीगन का जो इंटरनल एंगल है उसका सम दिया गया है 6 राइट एंगल, 6 राइट एंगल का मतलब क्या है 6 × 90, यानी कि कितना दिया गया 540 दिया, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है बस रख दीजिए, 540 इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 180, 18 3 54, एन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गया आपकी 5। अगला क्वेश्चन बोला है एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। बोला गया है एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बताया है मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो हमको एंगल बताना है भैया। बोला है एक जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है, तो मान लीजिए एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा, दोनों का सम, दो एंगल अगर दिए गए हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2, इनका सम कितना होता है 90 डिग्री, एक ये थीटा 1 है तो थीटा 2 क्या हो जाएगा यहां से 90 माइनस थीटा 1, यही तो होगा, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब थीटा 1 थीटा 2 मत रखिएगा, क्या हो जाएगा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, थीटा 90 माइनस थीटा, वो कह रहा है कि उसका एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है, थीटा इज इक्वल टू 490 माइनस थीटा, एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स है, बस आ गया सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 360 माइनस 4 थीटा इधर आ जाएगा 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू 360, ये कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। एक 72 आ गया तो दूसरा कैसे निकलेगा, दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, एक 72 तो दूसरा 90 से घटा दीजिए, दूसरा कितना आ जाएगा
दूसरा आ जाएगा आपका 18 डिग्री थीटा 122 थीटा 218 डिग्री। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बोला है एन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल, एन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं। एक एंगल है वो बोल रहा है कि वो एंगल अपने सप्लीमेंट एंगल का 5 गुना है, तो भैया एंगल बताओ। चलिए मान लेते हैं एक एंगल थीटा है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यही तो होगा। मैं फिर बोल रहा हूं थीटा 1 थीटा 2 एक्स वाई ये सब मत करिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सीधे सीधे थीटा लीजिए दूसरा 180 माइनस थीटा। अब ये आ गया आपको, अब वो क्या कह रहा है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है, तो भैया एंगल बता दो। लो भैया थीटा इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 180 माइनस थीटा, ये कितना हो गया 18 बाई 90, 900 माइनस 5 थीटा, और ये थीटा इधर ले आओ भैया 6 थीटा इज इक्वल टू 900, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब एक आ गया आपका 150 डिग्री, दोनों का सम होता है 180, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा थीटा 2 30 डिग्री। आगे समझ में, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पॉलीगन वाले ये फिर सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब थोड़ा सा फिगर बेस्ड जो हमारे लाइन पर एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा उनको करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन है, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ पहले ही लेक्चर है, पहले लेक्चर में सीधे एडवांस में थोड़ी घुस जाएंगे, देखो बेसिक से ही पढ़ाएंगे भैया, बस ये है कि अच्छे से पढ़ते रहो, एंड टाइम पे मत पढ़ना, अब बात मैसेज मत करना कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, अभी से मेहनत करोगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखो ये फिगर दिया गया, ए बी सी डी ई एफ, यहां पर कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और बोल रहा है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये एंगल आपको दिया गया है 72 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है 18 डिग्री, हमसे पूछा है ये थीटा, कर लेंगे इसको, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब देखो भाई पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन का जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो इसीलिए बताई थी, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये पैरेलल लाइन है एबी, ये पैरेलल लाइन है सीडी, दिख रहा है आपको, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब कि इस तरह का बना है, ए बी है ये सी डी है, ये लाइन क्रॉस कर रही है बी और सी, ये ट्रांसवर्सल लाइन बी और सी, ए बी सी डी, ये आ गई, ये कितना दिया है 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइन निकल रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, ये 72, ये कितना हो जाएगा 72, यही तो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन एक ही क्रॉस कर रही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 72, ये कितना दिया है 18 दिया, मतलब कि यहां से इतना ये 18 दे दिया। अब जब ये 18 दे दिया तो कितना बचेगा, पूरा 72, ये पूरा टोटल जो एंगल है वो 72 है, ये 18 तो बचा हुआ कितना आ जाएगा भैया, बचा आ जाएगा हमारा 54 डिग्री, ये 54 डिग्री आ गया। अब देखो अब इसको हटाते हैं, अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, अब इसको हमने हटा दिया, अब सिर्फ इसको देखो तुम, इस तरह का बना हुआ, ये हमें पता चल गया ये वाला एंगल कितना आ गया, ये 54 डिग्री, थीटा पूछा, फिर वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जो लास्ट में आपको लिखवाई थी, पैरेलल लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तो
इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, थीटा प्लस चौवन कितना होगा 180 डिग्री। तो भैया ये चौवन है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से चौवन घटा तो बस थीटा की वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा 54 6 60 20 126 डिग्री। ये थीटा कितना आ गया हमारा 126 डिग्री। समझ में आ गया आपको। देखो ये लास्ट में मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, क्या लिखाई थी, ये एंगल कौन सा था, कुछ भी मान लीजिए ये एक है ये दो है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू ये प्रॉपर्टी लिखाई थी ना 180 डिग्री। तो वही चीज है, थीटा और चौवन इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 ये चौवन है तो बचा हुआ कितना होगा भैया 126, बस दोनों को सम करो देखो 180 आ रहा है 180 डिग्री। समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ये बोल दिया 75 डिग्री है, ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई ये दिया है 35 डिग्री और ये हमसे पूछा है थीटा। बता सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पैरेलल लाइंस पर बोली गई, हाँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब कि ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी ये पैरेलल है। अब देखिए आपको अपने आप आइडिया लग जाना चाहिए, ये पैरेलल लाइन है दो, आपको दिख रही है इस तरह से पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन एक निकल गई बी से क्रॉस कर रही, ये 75 अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई, तो ये कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों का सम कितना होगा 180, ये कितना हो गया 105 डिग्री। अब ये 105 तो ये कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट आमने सामने वाले एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 105। अब भैया ये ट्राइंगल बन गया तुम्हारा, मान लो ये कोई पॉइंट है x, d x e, ये क्या बन गया तुम्हारा ट्राइंगल बन गया 105 35 140, ये कितना हो जाएगा 40, बस आंसर। ट्राइंगल का सम कितना होता है भैया, ट्राइंगल के अंदर जितने एंगल होते हैं उनका सम 180, सारे कोणों का योग 180, 105 35 140 ये कितना आ गया 40। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर समझ में आपको नहीं आता आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, और बाय मिस्टेक अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ लिखने में गलती हो जाए, तो उस पर कमेंट मत करिएगा कि सर 6 18 होता आपने 12 लिख दिया है, तो वो हमें भी पता है कि 12 होता है या 18 होता है। ये फिगर दिया गया है, ये इस तरह का फिगर बना है, ये दिया गया है 120 डिग्री, ये डी पॉइंट है, ये ई है, दिस इज ए बी एंड सी, और ये दिया गया है 100 डिग्री, और ये वाला एंगल से पूछा थीटा। अब यहां पर ये बोला गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर अभी आपको नहीं दिख रही तो मैं फिर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहां पैरेलल है। हाँ अब ठीक है, ए 100 डिग्री, ये बोला गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, थीटा पूछा है। भैया बहुत आसान है, कुछ कर रहे ही नहीं है, बिना देखे एक सेकंड में आंसर, ये सब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये पैरेलल लाइन है क्रॉस कर रही है ये 100, ये कितना होगा अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये 100 कितना हो जाएगा 100, बस आंसर आ गया। ये सब हलवा क्वेश्चन है, अभी आगे मजा आएंगे, थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चलेंगे, ये 100 ये भी 100 बस, अरे भैया पैरेलल लाइन निकल रही है, ये देखो दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, एक इधर है किधर है, और क्यों बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइन अगर नहीं दिया होगा तब फिर आप नहीं बता सकते,
पैरेलल लाइन है, जब तक ये दिया नहीं, आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन तभी करिएगा, ऐसा नहीं पता चला दिया ही नहीं गया, आप अपने तरफ से सीधे आंसर मार दिया, तब फिर अलग तरह से होगा। पैरेलल लाइंस दी गई है, अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट, आ गया आपका आंसर 100 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरह का, कुछ फिगर दिया गया है, ये फिगर दिया है, ये बोला गया है 30 डिग्री है भैया, ये बोला गया है 40 डिग्री है भैया, और बोला ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, बोला है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये एंगल पूछा आपसे थीटा। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तो आपको हम ये बता देते हैं, जब भी इस तरह का फिगर आए एम के शेप में बनाओ, और ये लाइन आपको पैरेलल बोली गई हो, ये लाइन आपको पैरेलल बोली गई हो, एम के शेप में फिगर बना हो, इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता है वही होता है ये, थीटा जो होगा कितना होगा 40 + 30 = 70, 40 + 30 = 70। अब होता कैसे वो भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां से हम क्या करेंगे एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो ये एक पैरेलल लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, नाम दे दिया ई एफ। अब खुद देखो यार, ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन, ऊपर वाला पोर्शन मत देखो, ये पैरेलल लाइन है भी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन क्रॉस कर, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा भैया मेरे 30, अल्टरनेट एंगल इधर और इधर 30। अब इधर देख लो, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दो, ये पैरेलल, ये पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा भैया मेरे 40, क्यों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल देख लो पूरा कितना हो गया 70। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भैया इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ है, और यहां से ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये एंगल थीटा, यही हमें बताना है। दिया क्या है, ये दिया है 140, ये दिया है 128। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, यहां पर बोला गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दो अलग अलग पैरेलल यानी कि समानांतर रेखाएं हैं, ये बताना आपको भैया। कैसे किया जाएगा, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है थोड़ी, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं है, एक भैया यहां से बराबर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, काम खत्म, चलो यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बात को समझो ध्यान से, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, पूरा 140 है, इसको भी हम यहां से हटा देते हैं, पूरा कितना दिया गया है, ये पूरा एंगल दिया है कितना भाई मेरे 140 दिया है, ये पूरा एंगल 140 दिया है। अब देखो लास्ट में प्रॉपर्टी लिखाई थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम कितना होता है 180, ये कितना है देखो ना, ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये ए बी, इसको हम मान लेते हैं ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली, ये पैरेलल हो गई, अब ये पैरेलल है और ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 180। अब ये 128 से बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना होगा 52, देखो भैया सम कितना होगा 180 तो हो रहा, अब ये 52 मिल गया, पूरा कितना बोला उसने 140, बचा हुआ कितना आ जाएगा, करो जरा 8 2 10 8 5 13 8 88, अब ये एंगल हमें कितना मिल गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये नीचे वाला है 88, ऊपर वाला 52, नीचे वाला 88,
140 है पूरा, ये हमें 52 आ गया, तो ये बचा हुआ भैया कितना होगा, 140 माइनस 52। अरे मेरे भाई ये पूरा 140 है, 52 चला गया उसमें से, तो कितना बचा 88। अब देखो आसान सा कॉन्सेप्ट, ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन और ये ऐसे लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये कितना दिया है 88, तो ये एंगल कौन सा होगा, मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था मैंने, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऊपर यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, अब देखिए यहां पर 3 किसके बराबर होगा 4 के, उसके नीचे वाले वाले 1 किसके बराबर होगा 2 के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये 88 है तो ये कितना हो जाएगा भैया 88 डिग्री, बस यही आंसर है इसका। ज्योमेट्री एक बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े तो कभी आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ही नहीं आया, पता नहीं बच्चे कहते हैं ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है, ज्योमेट्री तो इतना मजेदार सब्जेक्ट है, बस एंगल समझ में आनी चाहिए आपको, प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए। ये आ गया समझ में आपको, और क्वेश्चन कराए, चलिए आपको कुछ दे देते हैं क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे आगे ट्राइंगल पर, ट्राइंगल में मजा आता है, वहां पर कई सारी थ्योरम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल उसको करेंगे, तब फिर मजा आएगा। चलिए कुछ आपको प्रॉब्लम्स दे देते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी आप देख लीजिए लिख लीजिए, इसका आंसर जरूर करिएगा। इस तरह का फिगर बना हुआ है और यहां पर ये जो लाइन है आपका ए बी, और ये कौन सा है हमारा, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई है, बोला है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये पहला क्वेश्चन है। ये 100 डिग्री बोला है, ये 120 दिया है और ये थीटा हमें बता रहा है, इसको लिख लीजिए जल्दी से फटाक से आंसर करिएगा। पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया है, कुछ इस तरह का बना है, ये कह रहा है कि वो 90 डिग्री दिया है, ठीक है भैया, ये कह रहा है हमने 20 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, इसके बाद ये थीटा है, ये हमें बताना है P Q R S T, P Q R S क्या है भैया, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये 90 दिया ये 20 दिया, थीटा हमें बताना है, पैरेलल लाइन होगी जरूर होगी। अच्छा यहां पर एक चीज और बोली गई है, यहां पर बोला गया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि ये और ये बराबर, फिगर में नहीं दिख रहा उसको मत समझिए, लेकिन बोला गया है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। अब आपको ये बताना है थीटा, कर लेंगे इसको, समस्या आए तो आपको हमारे घर से पूछिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, दो अलग अलग आपको मिरर्स दिए गए हैं, चलिए पहला वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, उसी के ऊपर बना देते हैं। ये दो आपको मिरर दिए गए हैं कुछ इस तरह से, ये मिरर एल है, ये मिरर एम है, ठीक है, 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, ये मिरर्स 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, ये आपका मिरर हो गया। बोल रहा है भैया एक रे आई मिरर एम पर पड़ी, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे आई मिरर एम पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी कहां जाएगी, इसके पास जाएगी, इस वाले मिरर पर आएगी, यहां पड़ेगी, यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये उसने दिया है हमें भैया कितना 28 डिग्री, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये 28 डिग्री दिया है हमसे, पूछा क्या है उसने, ये एंगल थीटा, ये पूछा है, ये आपको बताना है कि एंगल कितना होगा, मिरर है 90 डिग्री पर इंक्लाइन, ये 90 डिग्री
उधर कहीं मत समझ लीजिएगा 90 डिग्री ये वाला है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। एक रे आ रही है 28 डिग्री पर पड़ी, यहां से आई रिफ्लेक्ट, इस पर पड़ने यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इसके बाद मिरर एन पर पड़ी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है और ये जो आ रही है ये दोनों पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ठहर दिया ये थीटा दिया आपको बताना। बस ये तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन के आंसर हमें जरूर बताइएगा और सीरियसली पढ़िएगा, तभी फिर पढ़ाने में मजा आएगा। फिर आप बाद में बोलेंगे कि जो है शुरू में तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाद में आप ढीले पड़ जाते हैं। ढीले क्या पड़ जाते हैं, तुम सीरियसली हो गए कि हम लोग हो जाए तुम्हारे लिए, सीधी सी बात है, तुम पढ़ोगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो हम क्यों पढ़ाएंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं ट्रायंगल के साथ। ये हो गया पूरा आपका चैप्टर, बस इसके अगर आपके पास बुक वगैरह हो तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम मिलेंगे आपको ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल के कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।